अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ बीफ यखनी पुलाव की रेसिपी। ये बहुत ही मज़े के बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने जो गोश्त है बीफ वाला, वो 1 किलो मैंने पानी में बॉईल होने के रख दिया है, सिर्फ नमक डाल के। ये मैंने सुबह जल्दी रख दिया था क्योंकि ना इसको गलने में भी काफ़ी टाइम लगता है। अगर आप कुकर में इसे करें गलाएँगे तो वो तो जल्दी गल जाएगा, लेकिन मैं कुकर यूज़ नहीं करती बिकॉज मुझे डर लगता है कुकर से, इसलिए मैंने रख दिया था। तो ये जो 2 कप है ये मैंने भर के चावल के यूज़ किए थे और इन्हें मैंने भिगो के रख दिया था। साथ मैंने लिया सिरका, अदरक लहसुन का पेस्ट, सोया सॉस और रेड चिली पाउडर और हल्दी, साथ गरम मसाला, नमक और एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया मैंने और एक जो है मैंने हाफ़ कर लिया, साथ 2 सब ग्रीन चिली लिया मैंने। जो मसाले हैं वो आप अपने अपनी मर्ज़ी के ले सकते हैं जी। तो अब प्याज जो है वो मैंने एक बड़े साइज़ का ले लिया था, उसे मैं ऑयल में अब ब्राउन करूँगी प्याज को। तो प्याज हमारे ब्राउन हो गए हैं, अब इस पॉइंट पे मैं इन्हें जो बॉयल गोश्त था हमारा वो डालूँगी। अब मैं इसे अच्छी तरह से हिलाऊँगी थोड़ा। साथ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। और ये साथ मैंने जो क्यूब्स में टमाटर कट किए थे वो डाल दिए। अब मैं फिर इन्हें अच्छी तरह से हिलाऊंगी। इस पार्ट में थोड़ा सा इसमें पानी डालूँ कि टमाटर जो हमारे वो सॉफ्ट हो जाए, अच्छी तरह से मसाला बन जाए। देखिए टमाटर हमारे काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गए। अब मैंने सारे तमाम मसाले जो आपको शुरू में दिखाए थे वो सारे इसमें डाल दिए मैंने। फिर मैं इसे अच्छी तरह से हिलाऊंगी। ये आप देख सकते हैं मसाला कितनी अच्छी तरह से बन गया। मेरे भाई को ये बीफ पुलाव बहुत पसंद है, इसलिए मैंने उसी की फरमाइश पे आज बनाया था, क्योंकि किस वो बहुत कम घर में होता है, किसी टाइम होता है, खाने के टाइम नहीं होता इसलिए जी। अब मैंने 2 कप मैंने लिए थे चावल, तो अब मैंने 4 कप इसमें ना पानी ऐड कर दिया, और पानी जिस पानी में गोश्त को ना गलाया था उसी वो वाला पानी मैंने यूज़ कर लिया, वो यखनी जो है वो मैंने इसमें यूज़ कर लिया 4 कप। और जब इसमें बॉयल आ गया तो मैंने अपने चावल ऐड कर दिए। पानी में अच्छी तरह से बॉईल आ जाए तब आपने चावल ऐड करने हैं। अब मैं दोबारा से इसे मीडियम आंच पे पकाऊंगी ताकि चावल जो हमारे वो गल जाए। तो ये देखें पानी जो हमारा काफ़ी हद तक जो है ना वो ड्राई हो गया है, अभी थोड़ा सा और ड्राई करके फिर मैं इसे दम दे दूँगी। ये देखें अब इस पॉइंट पर मैं इसे 20 मिनट्स के लिए दम दे दूँगी। तो ये मैंने दम दे दिया, और आँच जो आपने बिल्कुल इसकी स्लो रखनी है, दम वाली आँच जो होती है स्लो। ये देखें इससे कम मैं करूँगी, ये देख सकते हैं। ये देखें हमारा पुलाव 20 मिनट्स बाद तैयार हो गया, बहुत अच्छा बना है।
तो आप भी ज़रूर उसे ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपका पुलाव कैसे बना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। दुआ में याद रखिएगा।